अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम। आज जो मरियम की किचन की सीक्रेट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मंचूरियन की रेसिपी, चिकन मंचूरियन की मज़ेदार रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कप चिकन, आधा कप टमाटर, आधा कप कैप्सिकम, एक टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और दो क्लोव साबुत, एक कप अनियन, एक कप लाल गोल मिर्ची सिरके में भिगो के रखेंगे एक घंटे के लिए, और दो चार टेबल स्पून सोया सॉस, एक कप टमाटर, एक कप ऑयल और दो टेबल स्पून सिरका, चार टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। और मसाले में हमें चाहिए एक चम्मच, एक टीस्पून शुगर, एक टीस्पून ब्लैक पेपर, एक टीस्पून चाइनीज़ पेपर, एक टीस्पून क्रश्ड पेपर, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून गार्लिक पाउडर। ये सारे मसाले टोटल क्वान्टिटी के बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे। अब हमने एक कप रफली चॉप्ड जो टमाटर थे, दो जवे उसमें गार्लिक ऐड किए, एक टीस्पून उसमें ऐड किया हमने सिरका, और हम उसको बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से, उसको गला के ब्लंच कर लेंगे और फिर उसको एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब देखिए 10 मिनट के लिए हमने कवर किया है। जब ये अच्छी तरह से गल जाएं तो हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम, क्वार्टर टी स्पून स्पाइसेस जो सारे मैंने बताए थे, लाल मिर्च, चाइनीज मिर्च और काली मिर्च, नमक ऐड करके अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे और फिर ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेश सा अच्छा सा पेस्ट बना रहे हैं हम। आप भी मार्केट से ना लें, उसमें प्रिजर्वेंट्स होते हैं और उसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें बस फूड कलर नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा फ़र्क लगेगा, मगर इसका टेस्ट और उसका फ्लेवर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही आएगा। सो काइंडली आप ये सॉस जो है और ये पेस्ट है घर पे ही बनाएं। अब मैं आपको हॉट सॉस बनाने का तरीका बताऊंगी। एक दो घंटे के लिए सिरके में हमने एक कप गोल वाले मिर्चें भिगो के रख दी थी, उसी सिरके के साथ हम इनको बॉयल कर लेंगे और उसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। जब मिर्चें गल जाएँ तो हम उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे पानी के साथ, और फिर उस पानी को छान लेंगे। तो हमारा हॉट सॉस तैयार हो गया है। अब हम जो चिकन के फ्राइज हैं उनकी तैयारी करते हैं। उसमें हम जो मसाले थे, सारे मसाले हाफ टी स्पून जो बच गए थे वो उसमें ऐड करेंगे, दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, एक टेबल स्पून सोया सॉस और दो टेबल स्पून अंडे की जर्दी ऐड करेंगे, और जो स्पाइसेस थे काली मिर्च, लाल मिर्च, चाइनीज मिर्च और नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके 10 मिनट के बाद फ्राई कर लेंगे। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है, और अच्छी तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको डिश आउट कर लेंगे। अच्छा था, चिकन नरम हो जाना चाहिए। सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ही मंचूरियन बनेगा। तो देखिए गोल्डन ब्राउन से फ्राइज तैयार हो गए हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे और वेजिटेबल फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लेंगे और उसमें गार्लिक का पेस्ट डाल लेंगे, पेस्ट डालें या फिर फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल दें, उसको पकाएंगे। जब खुशबू आने लगे तो फिर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले आनियन ऐड करेंगे, उसके बाद शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हम उसमें जो टमाटो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और उसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसका टोटल कुकिंग टाइम जो है 10 मिनट है। आपको इससे ज़्यादा इसको नहीं कुक करना पूरी रेसिपी को। आप इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे जो हमने खुद ही बनाई है, और इसके बाद कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून पानी में डिज़ोल्व करके, और फिर उसके बाद टमाटर ऐड करेंगे, और फिर सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टी स्पून शुगर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून लाल कुटी मिर्च, और ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है। हमने इसमें अपने फ्राइज ऐड करके मिक्स करके निकाल लिए हैं। अब हम थोड़ी सी स्पेगेटी बॉईल कर लेंगे। एक पैकेट स्पेगेटी में हम हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ऑयल ऐड करेंगे और स्पेगेटी को बॉईल कर देंगे। और ये देखिए हमारा मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन तैयार है। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें घर पे, अपने फैमिली के लिए बनाएं, और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ेदार सा टेस्टी चिकन मंचूरियन तैयार है, मैं इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूँगी। आप भी ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। अल्लाह हाफिज़।